स्मृति जी आइए और हम लोगों के साथ, अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना आज। आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज। आप मंत्री, हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है, जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो, एक टेट्रा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा, स्कूल में जाए तो पेंसिल रबर इरेजर कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना याद आ गई, गोदान, गो का दान। एक बहुत गरीब फैमिली थी जो पूरे जिंदगी भर सपना देती रही कि अपने बच्चों को दूध और दही खिला पाए, एक गाय को पाल के, लेकिन उसका पति बीमार पड़ता है और शैया पर होता है, 5 मिनट बाद उसकी डेथ होने वाली होती है और पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि गोदान कर दीजिए तो आपका पति स्वर्ग सिधार जाएगा। उसकी पत्नी घर से गई, 1 रुपए का सिक्का लेकर आई और पंडित जी को दिया और कहा, पंडित जी मेरे घर में यही 1 रुपया बचा है, पूरी जिंदगी मेरा पति दूध और दही के सपने लेकर गौ पालने के सपने देख रहा था और आज आप कह रहे हैं कि स्वर्ग सिधारने के लिए गौ का दान कर दीजिए। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आज गरीब के पेट में लात मारी जा रही है और मोदी साहब हमारे कह रहे हैं थाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ। आप सारा ठीकरा यूक्रेन की लड़ाई पे ठोक रहे हैं, आप कोविड को दे रहे हैं, लेकिन आपने, आपकी नीति ने जो नोटबंदी से 2016 से जो गलतियां की, कभी भी उसका आप जिक्र नहीं कर रहे। जितने अर्थशास्त्री थे उन सब ने कहा था, जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल स्टेबल थी उस वक्त नोटबंदी नहीं कीजिए। आपके स्वर्गीय, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने भी कहा था कि नहीं करनी चाहिए नोटबंदी। उस दिन से आज तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। मैं 2013 का प्रधानमंत्री जी का भाषण याद कर रही थी जिन पे उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का मां नहीं बोलते हैं। प्लीज मनमोहन सिंह जी आए और महंगाई के बारे में बताएं कि कब कम होगी। उन्होंने कहा मरो तो मरो आपका नसीब, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द थे मनमोहन सिंह जी के लिए। उन्होंने कहा था कि आप गरीबों के लिए कह रहे हैं मरो तो मरो आपका नसीब। मुझे फिर याद आ रहा है कोविड का वक्त जब करोड़ों लोग सड़कों में चल रहे थे, हजार हजार किलोमीटर चल के जा रहे थे, तो मुझे लगता है मोदी साहब यही कह रहे थे मरो तो मरो आपका नसीब, क्योंकि उस वक्त गरीब को पैसा देना था तो आपने क्या बोला, सारे गरीब घर से बाहर निकलो और थालियां बजाने का काम करो, थाली बजाने से आपके पेट में भोजन मिल जाएगा। फिर हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है, जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो। आई विश कि स्मृति जी आइए और हम लोगों के साथ, अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना आज। आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज। आप मंत्री, इसके बाद मैं सुषमा जी का, एक मिनट रंजिता, माननीय मंत्री किसी का नाम लेकर मंत्री यहाँ सवाल नहीं करना चाहिए। स्वर्गीय सुषमा जी की स्पीच को याद करना चाहती हूँ जिन्होंने कहा था कि यह संवेदनहीन सरकार है, ये बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, यह विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सुषमा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि यह संवेदनहीन सरकार है, हमारी ही सरकार है, यह विश्वासघाती सरकार है, हमारी ही सरकार है। मुझे डर लगता है जब मैं प्रधानमंत्री की उस स्पीच को सुनती हूँ जो उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूख से रो रो कर सोते हैं और माँ आंख में आंसू लेकर चुप हो जाती है। जब आंसू की बात पीएम साहब के मुंह से सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिडिल क्लास से
महिलाओं के आंसू निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं। सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी। कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिलाएं पसीस गई। हम सब ने सब्सिडी छोड़ दी। आज हर्ष क्या हुआ? आज आपने 1600 रुपए का एक झुंझुना पकड़ा कर 7 करोड़ लगभग लोगों को आपने चूल्हा और गैस दिया। आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा। एक चुनाव, दो चुनाव आपने उज्ज्वला योजना से निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो 1600 रुपए, वो सब्सिडी, जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? लेकिन वो रेवड़ी में फर्क इतना था, गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजेंसीज के लिए थी। आप 1600 रुपए गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी। किसका दे रही थी? टैक्स पे ही का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ? आज आंकड़ा है, इतना वक्त नहीं है, लगभग 7 करोड़ घर, जिसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं। 3.5 करोड़ के लगभग वैसे लोग हैं जो साल में एक रिफिल करा रहे हैं। ये किसको दिया था झुंझुना? ये किसकी रेवड़ी थी? रेवड़ी तो प्रधानमंत्री साहब आपने भी दी। कल मैं सुन रही थी आपके लोकसभा में भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे कि भाई उस वक्त भी आपके टाइम पे 900 रुपए गैस सिलेंडर था। मानते हैं 900 रुपए था, लेकिन हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे। बिल्कुल 400 रुपए कम में गैस सिलेंडर दे रहे थे। हम गरीबों की मदद कर रहे थे, हम एनपीए की और करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे। हम उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे। आप सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बहुत खतरनाक है। मैं प्रधानमंत्री साहब, सभापति जी के माध्यम से बोलूंगी, उज्ज्वला की रेवड़ी हो, चाहे आपकी कोई भी गरीबों के लिए रेवड़ी हो, वो रेवड़ी में ना तिल था, ना चीनी थी, ना गुड़ था। ये तिल, चीनी, गुड़, सब कुछ कोई जो लेके गया वो कॉर्पोरेट थे। एक और रेवड़ी की याद दिलाना चाहती हूँ आपको, जियो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं खिलानी चाहिए, आपने क्या किया? पूरे देश को जियो का रेवड़ी खिलाई। पहले बोला मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। जब आपको आदत डल गई, उसके बाद अब कितने में जियो का लोग प्रीपेड और पोस्टपेड भरवाते हैं। ये कौन सी रेवड़ी थी? ये रेवड़ी भी कॉर्पोरेट के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं थी। दूसरी तरफ मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बात हो रही थी, एक छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति है, उन्होंने सुबह बोला कि जीएसटी। निर्मला जी का कल मैं भाषण सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि लगभग 1,45,00,000 करोड़ जीएसटी समथिंग, मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, कि इस बार भी हमने जीएसटी से पाया। मैं मंत्री साहब से पूछना चाहूंगी, आप जीएसटी तो पा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, विद इन मंथ उनको ब्याज, बैंक का ब्याज भी देना पड़ता है, जीएसटी भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। 15 दिन के अंदर अगर वो नहीं देंगे तो आप पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन उनका जीएसटी का इनपुट आपको कितने दिन में देना था? एक एक साल लगाकर आप उनका इनपुट नहीं देते हैं। क्या खरबों रुपए आप उनके इनपुट से बना के क्या सरकार पूरे देश को उसी इनपुट से चला रही है क्या? तीसरी बात, मैं एक बच्चे से मिली, 16-17 साल के बच्चे से। आप जीएसटी लगा रहे हैं 5%, आप जीएसटी लगा रहे हैं 12-18%, दोनों ही जीएसटी में आम आदमी मरता है। किसी ने बोला कि 5% जीएसटी से किसको फर्क पड़ेगा? पड़ता है। जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइनों में खड़ा होता है, पूरा महीना चलाता है, अगर उसको 5% जीएसटी लगता है तो फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि नहीं, खुला जो गरीब है वो खुले का खाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आप चाहते हैं जिंदगी भर वो गरीब ठेले में मक्खी लगता हुआ खाना ही खाता रहे? क्या उसका हक नहीं है कि वो पैकिंग खाने को खाए? क्या उसका नहीं है क्या स्वस्थ खाना खाए? प्लीज सर, 2-3 मिनट, स्वस्थ खाना खाए। दूसरी तरफ आप ये बताइए, टेट्रा पैक में जो 10-12 रुपए की लस्सी, छाछ, दूध, दही, हम सब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जाके किसी भी एमडीएमसी के, एमडीसी के, उससे छाछ लेते हैं, तो क्या उसमें आप 12-18% जो लगा रहे हैं वो क्या गरीब अमीर खाता है? क्या किसी करोड़पति का बच्चा वो टेट्रा वाली लस्सी पीता है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 12-18 करनी है? मुझे एक बच्चा बोल रहा था कि मैडम आप लोग सदन में बोलते नहीं है, राइट रंजिता जी, स्कूल ही चलाए,
आपने ज्यादा समय दिया, थैंक यू सर, प्लीज सर, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज एक मिनट सर, प्लीज सर दो मिनट, डॉक्टर फौजिया खान, प्लीज दो मिनट, डॉक्टर फौजिया खान, प्लीज दो मिनट, दो मिनट एक्स्ट्रा दिया मैंने आपको, आपने आप पॉलिटिकल सवाल उसमें बह गए तो मैं क्या करूं सर, कंक्लूड कंक्लूड करिए। उसने बोला कि आप बताते क्यों नहीं है, स्कूटी से जाए तो तेल महंगा, एक टेट्रा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा, स्कूल में जाए तो पेंसिल रबर इरेजर कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहां जाए। एक तरफ आप नोट कोविड में 23 करोड़ को गरीबी रेखा में लेके आ गए, 98% लोग की सारी आमदनी घट गई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार लोग कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है, देश की आबरू जा रही है, आबरू जा रही है। मनमोहन सिंह जी ने आपने पूछा था और मनमोहन सिंह जी ने बोला, उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन 59 से 69 हुआ और विद इन 4 मंथ में दोबारा 59 में लेकर आ गए थे। क्या आप लेकर आएंगे? डॉक्टर फौजिया खान, मैं आग्रह करती हूँ कि प्लीज, जहाँ कांग्रेस इस देश की आर्थिक स्थिति को छोड़ के गई थी।